नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मा की प्रतिमा, इस टॉपिक के ऊपर अपने हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह आप इस प्रतिमा को देख लीजिए, आज हम इसी जो यह जो प्रतिमा बनाई गई है इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसको स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। इसका अभी हाल ही में 21 सितंबर 2023 को अनावरण किया गया है, और इसका जो अनावरण किया है वह किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के द्वारा। इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है जिसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस। और कहां पर किया गया है, तो यह किया गया है ओंकारेश्वर में, और ओंकारेश्वर यानी कि मानधाता जो कि खंडवा जिले में पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रतिमा का अनावरण किया है, किसने किया है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है ये है क्या। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस ये है क्या, तो यह आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है यह आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें कि जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है इसका जो परिसर है, इसके परिसर को महाकाल लोक की तर्ज पर ही अद्वैत लोक के नाम से विकसित किया गया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि अद्वैत लोक को कहां पर विकसित किया गया है, तो यह स्टैच्यू ऑफ वननेस के परिसर में ही इसको विकसित किया गया है। और किसकी तर्ज पर बनाया गया है, तो यह महाकाल लोक की तर्ज पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें आदि गुरु शंकराचार्य जी की, ठीक है, अगर हम बात करें आदि गुरु शंकराचार्य जी की, तो इनका जन्म हुआ था 788 ईस्वी में कलाड़ी केरल में। ठीक है, केरल राज्य के कलाड़ी में इनका 788 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके माता का नाम था आर्याम्बा और पिता का नाम था शिवगुरु। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था गोविंद भगवत पाद। ठीक है, इनके गुरु जी का नाम था। इनकी साधना स्थली रही वह रही ओंकारेश्वर खंडवा, और यहीं पर इनकी यह स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। अगर बात करें इनके दर्शन की, तो इन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को स्थापित किया। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उसमें कौन सा है, उसमें ब्रह्म सूत्र भाष जो कि ब्रह्म सूत्र पर टिप्पणी है यह लिखा गया है। इसके अलावा भज गोविंदा स्रोत, निर्वाण सातकम और प्राकरण ग्रंथ, यह इनके ग्रंथ हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ब्रह्म सूत्र भाष, भज गोविंदा स्रोत, निर्वाण सातकम और प्राकरण ग्रंथ। अब अगर हम बात करें तो इनके द्वारा सनातन धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने भारत के चारों कोनों पर चार मठों की स्थापना की। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि चार मठों की स्थापना किसने की, तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भारत के चारों कोनों पर चार मठों की स्थापना की गई। अब वो कौन कौन से मठ हैं, तो पहला मठ है शारदा मठ जो कि कहाँ पर है, द्वारिका गुजरात में। इसके अलावा गोवर्धन मठ है जो कि पुरी उड़ीसा में स्थापित किया गया है। श्रृंगेरी मठ है जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया है। और ज्योतिर्मठ है जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। यानी इधर गुजरात में, इधर उड़ीसा में, इधर कर्नाटक में और इधर उत्तराखंड में, यह देश के चारों कोनों में यह मठ स्थापित किए गए हैं। और किसने किए हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन्हीं मठों को स्थापित किया है। आगे अगर हम बात करें कि जो 820 ईस्वी में 33 वर्ष की आयु में इन्होंने केदारनाथ में समाधि ली थी, तो यह भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने समाधि कब ली थी, तो 820 ईस्वी में 33 वर्ष की इनकी आयु थी और केदारनाथ में इन्होंने समाधि ली। अब केदारनाथ में समाधि ली तो यहीं पर 2021 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने
केदारनाथ उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य जी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।